तो हेलो एवरीवन, एक ऑफिस स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस पे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड में फोन नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर ऐड करा सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा पाऊं कि आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाएंगे किस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, मैं वहीं पर हर चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और हम लोग बात करने वाले हैं यहीं पे कि आप लोग अपना आधार कार्ड का मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल ₹50 लगेगा आपका, जो भी चार्ज लगना है ₹50 का ही चार्ज लगता है UIDAI का, उसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं घर बैठे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपने लैपटॉप पे एक ब्राउजर ओपन कर रखा है। तो आप लोग भी अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमको चेक करना है अपने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले से कौन सा लगा है फोन नंबर, तो वो चेक करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना होता है SSUP। जैसे आप लोग SSUP को सर्च करते हैं तो आपके पास सबसे फर्स्ट लिंक यहाँ पे मिल जाता है माई आधार करके, तो आपको इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ एक इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी, तो आपको उस पे ही क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग उस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर और नीचे कैप्चा डालना होता है, जो इमेज में दिख रहा होगा कैप्चा, उसको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड। चलिए हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं और करते हैं प्रोसीड और आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो फोन नंबर हमारे फोन आधार कार्ड में लगा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लास्ट का 3 अक्षर दिखा रहा है। तो आप लोग इससे भी जान सकते हैं कि कौन सा फोन नंबर लगा होगा इसमें, तो आप लोग इसको देखकर जान सकते हैं कि कौन सा फोन नंबर लगा होगा इसमें। तो इसको चेक करने के बाद अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी फोन नंबर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे NULL नूल दिखा रहा है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इससे पहले आपके आधार कार्ड में कोई भी फोन नंबर लगा ही नहीं है। तो उसके बाद अब हम इस पेज का जो काम है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने चेक कर लिया कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा फोन नंबर लगा है। अब उसके बाद हमको करना है यहाँ पे एक दूसरा टैब अपेंड, जैसे कि हमने यहाँ पे दूसरा टैब ओपन कर लिया है, तो आप लोग भी आप उसको बैक कर लीजिएगा, दूसरा पेज ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आधार कार्ड में फोन नंबर लगाने के लिए IPPB कस्टमर, तो आपको इस पे ही जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास सबसे फर्स्ट लिंक यहाँ पे क्लिक हो जाता है IPPB। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल, तो आपको उस पे ही क्लिक कर लेना है। तो आप लोग जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इस तरीके से ऐड आता है, तो आपको इसको बैक कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे कि आप लोग काम कर सकते हैं, और इसमें ही एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है सर्विस रिक्वेस्ट। तो आपको इसमें देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे भी ओपन होते हैं, IPPB कस्टमर और यहाँ पे नॉन IPPB कस्टमर। तो आपको यहाँ पे जो भी हो आपको, लेकिन यहाँ पे करना है IPPB कस्टमर, क्योंकि अगर आप लोग नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, भले आप लोग इसके कस्टमर हो या फिर ना हो, और इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो ओपन नहीं होगा, आपका आधार कार्ड अपडेट भी नहीं हो पाएगा यहाँ से। तो आपको यहाँ पे करना है IPPB कस्टमर, मतलब कि आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट के कस्टमर हैं। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप लोग उस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होता है, और यहाँ पे देखिए ड्रॉप लिस्ट बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम, तो आप लोग यहाँ देखिए इस फॉर्म को अपलोड कर दिया गया। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं जो कि आप लोग इजीली कर सकते हैं घर पर बैठा के, घर पर बैठ कर ही। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग नीचे स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो आपके पास यहीं पे लास्ट में एक ऑप्शन देता है यहाँ पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर अपडेट, तो आपको इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे एक छोटा सा फॉर्म को फिल करना होता है, ये देख सकते हैं ये फॉर्म, तो इसको ही फिल करना होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है अपना टाइटल, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई जरूरत नहीं है, फिर फोन नंबर, आपका एड्रेस फर्स्ट एड्रेस पड़ेगा, फिर एड्रेस सेकेंड लाइन, पिन कोड, नजदीकी पोस्ट ऑफिस नेम, और यहाँ पे जो ये लास्ट का है लिंक्ड ब्रांच डिवीजन या फिर रिलीजन स्टेट और सर्कल, जो भी होगा ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जब आप लोग यहाँ पे अपना नजदीकी का कोई पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट फिल करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अपना पिन कोड जैसे डाला तो अब आपको यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाती है, आपका जो भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस है उसका लिस्ट जैसे ही ओपन होगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जितने भी ऑप्शन बाकी थे वो ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं।
चलिए हम लोग नीचे करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आपको यहाँ पे डालना है एक अपना टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको नीचे दिए गए हो कैप्चा को आपको नीचे फिल करना है। तो आपको जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है नीचे आपको उसको फिल करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग फिल करते हैं और आगे आपको प्रोसीड करके दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कैप्चा को फिल किया और आपको यहाँ पे कर देना है ऑटोमेटिक सबमिट। जैसे सबमिट करते हैं तो आपका ये जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है और आपके जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वहां से दो लोग आते हैं आपके घर पे और आपका जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करते हैं और आपसे एक फीस लेते हैं मात्र 50 रुपये का, जो कि UIDA का तरफ से जाता है, UIDA को जाता है वो 50 रुपये का फीस। और आपको एक एक्स्ट्रा एक भी रुपये नहीं देना है उसमें। और आपको कोई नहीं आता अगर आपके पास इसको अपडेट करने के लिए, तो आपके पास एक सिंपली नीचे और स्क्रॉल करिएगा थोड़ा सा, तो आपके घर पे अगर कोई नहीं आता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, अगर आपको लगता है कि हमारा अपडेट नहीं हो पा रहा है घर पे रहकर, अगर तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा है कॉल अस, नीचे जो लिखा है कॉन्टेक्ट अस में, तो आपको इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया कॉल अस करके यहाँ पे 1552-99, तो आपको इस नंबर पे ही कॉल करके आपका कंप्लेंट जो रजिस्टर कर देना है। और आपके पास 2 दिन के अंदर वहां से फिर से एक आदमी आएगा आपके घर पे, आपका आधार नंबर अपडेट करेगा और आपका जो भी आधार कार्ड पे फोन नंबर होगा लगा के चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।